सो अभी रिसेंटली जैसे कि मैं एक मेन फोकस ग्रुप रन कर रहा हूँ, अब उसमें कुछ लोगों का सवाल आता है कि हमने पहले ऐसे नहीं लिखा, या तैयारी अभी अभी शुरू हुई है, या मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। नाउ वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि पहला आंसर, पहला ऐसे कोई भी जब लिखता है तो वो बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं होता है। व्हाई इज दिस? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट मेक्स फॉर अ गुड आंसर और अ गुड ऐसे। बट हमें ये चीज बहुत जल्दी पता चल जाती है कि भाई खराब ऐसे क्या है या खराब आंसर क्या है। टू गेट अ बेटर सेंस ऑफ कि अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए या अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, पहले आपको खराब आंसर और खराब ऐसे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप वो नहीं लिखोगे तब तक आपको वो गलतियां नहीं पता चलेंगी अपनी। एंड जब वो आपको गलतियां दिखेंगी सामने, सो देन इट इज ईजियर, क्योंकि आप ये मानोगे कि भाई गलती करके उस गलती को याद रखना ज्यादा आसान होता है, रादर देन कि मैं बता रहा हूं और आप सुन रहे हो। सो फोकस ऑन मेकिंग द मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग फास्ट। एक गलती करो, अगले आंसर में उसी गलती को सुधारो, उसके अगले आंसर में जो सेकंड आंसर में गलतियां थी उनको सुधारो, एक एक करके करके 50 आंसर ऐसे लिखो, एंड बाय द 50th आंसर यू विल हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर।